हेलो माय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। चलिए जी, आज मैं आपके लिए इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हूँ जिसे आप अपने घर में जो आपकी जो मौजूदा चीज़ें जो होती हैं आप वेस्ट होती हैं आप उसको फेंक देते हैं, तो आपने उन्हीं चीज़ों को यूटिलाइज़ कैसे, आपने अमेजिंग आइडियाज़ शेयर करती हूँ और बिलीव मी आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। आते हैं टिप नंबर वन की तरफ। हम दोपहर के टाइम डेली रूटीन में अगर जो भी चावल बनाते हैं और सम टाइम बाई मिस्टेक हो जाता है कि चावल में पानी ज़्यादा हो जाता है, चावल गीला हो जाता है, तो अब हम परेशान हो जाते हैं कि चावल में से पानी को कैसे सोख किया जाए। तो अब हमने एक डबल रोटी का प्रेस लेना, डबल रोटी का एक स्लाइस लेना है और हमने वो गीले चावल में जो होते हैं हमने उसमें रख देना है और 5-10 मिनट जितने देर के लिए भी आपने दम लगाएं। देखिए इतनी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई आपकी डबल रोटी और इसी तरह आपके बिल्कुल चावल खिले खिले बनेंगे। आते हैं टिप नंबर टू की तरफ। ये मेरे पास एक मोबाइल का था, इस डब्बा था, बॉक्स था, रखा हुआ था, एक्स्ट्रा था, बच्चे खेल रहे थे तो रखा हुआ था, काफ़ी टाइम से बच्चे खेल रहे थे तो मैंने सोचा मैं इसमें जो है ऑर्गेनाइज़ किया जाए मैंने तो। बट मैंने सोचा कि हम शादी में जाते हैं और मुझे जो है लिपस्टिक के शेड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, कभी इस बैग में देखा कभी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही चीज़ एक ही जगह पर सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके हम किया जाए। तो मैंने पहले जो है सबसे पहले जो है सारे जो है लिपस्टिक के शेड को एक ही बॉक्स में डाल दिया, बट ये हुआ कि सारे लिपस्टिक जो है और नेल पॉलिश जो है वो तो गिर गए, तो मैंने सोचा ये आइडिया भी मेरा फ्लॉप हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और आइडिया लगाया जाए, तो फिर मैंने बॉक्स का एक नीचे का अपर एक साइड लिया है, उसको चारों तरफ से मैंने इस तरह से स्ट्रेट कटिंग कर देनी है। आपने भी करनी है और आपने ज़रूर बताना है कि आप मेरी वीडियो किस शहर से और आपका नाम क्या है, कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। आप सबकी जो है मुझे दिली खुशी होती है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, इतने अच्छे अच्छे माशाल्लाह से व्यूज़ आते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा तारीफ़ मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से ये हमारे 4 सेक्शन डिवाइड हो गए हैं। अब मैं जो है एक सेक्शन में नेल पॉलिश रखूँगी और एक सेक्शन में जो है मैं लिपस्टिक के शेड रखूँगी। इस तरह से मैं अब जाऊँगी किसी ओकेजनली, अगर मैं 5 से 10 मिनट में तैयार होना पड़ता है मुझे क्योंकि बच्चों का साथ होता है माशाल्लाह से, पहले उनको रेडी करना फिर ख़ुद तैयार। अब ख़ुद के लिए टाइम जो है मुझे 5 से 10 मिनट मिलता है, तो इस 5 मिनट में बहुत ज़्यादा मुझे होता है कि मुझे बस तैयार करना है। तो बस मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ मुझे ऑर्गेनाइज मिले, तो हर चीज़ मैं एट अ टाइम कर लूँ। और यहाँ पर मेरे अलमारी जो है बहुत ज़्यादा जो है ओवरलोडेड हो गया था, कपड़े ज़्यादा थे तो रखने की जगह नहीं थी, तो मेरे पास एक जो है इस तरह से कपड़े का जो है हैंडबैग रखा हुआ था विद हैंडल के साथ। तो मैं जैसे ही ये हैंडल का था, एक्स्ट्रा था, वेस्ट था, घर में वेस्ट हो रहा था, बच्चे बेटी खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ना आइडिया लगाया जाओ और अपने फ्रेंड से भी शेयर किया जाए। तो मैंने जो है ये कपड़े का जो है ये बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, और आपने ज़रूर फीडबैक देना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ये मैंने दोनों साइड से इस तरह से बहुत ही आराम से इसी तरीके से हमने कटिंग करना है, कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी है। अगर आपने एक्स्ट्रा कटिंग करी तो इससे ये होगा कि ये बैग जो है फिर ऑलरेडी छोटा हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो छोटा है। और ये जो है मेरे अलमारी में जो है मेरे बेटी के कपड़े भी रहते हैं और मैं अपने कपड़े भी रखती हूँ, तो इस वजह से अलमारी में जो है जगह कम हो गई है। तो मैंने सोचा कुछ आइडिया लगाया जाए क्योंकि ये जो है बहुत चीज़ें जो हैं, अगर आप चीज़ों को अगर मैनेज करके रखा जाए तो आप घर की सुगढ़ औरतों में आपका शुमार होता है। देखिए जी, मेरे जो है कबर्ड का कुछ हाल ये है, कुछ मेरे कपड़े हैंग है तो कुछ मेरे बेटी के कपड़े हैंग है, तो नीचे भी कपड़े ज़्यादा हैं मेरे जो है माशाल्लाह से, तो अब जो है नीचे जो कपड़े रखे हैं वो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैंने सोचा इस तरह से मैं हैंग करती हूँ, आराम से 6 से 7 सूट जो मेरे आ जाएंगे और मैं ईज़िली यहाँ पर हैंड बैग भी रख सकती हूँ, फिर कभी मैं हैंड बैग भी रख सकती हूँ, इस तरह से वॉलेट भी रख सकती हूँ, क्योंकि देखिए आराम से 1, 2, 3, 4, 5 सूट मेरे आराम से आ गए। अब नीचे देखिए कितनी ज़्यादा स्पेस खाली हो गई। अब यहाँ पर कॉर्नर पे देखते हैं बेटी के सूट जो है बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब मैं करूँगी कि एक कुछ और आइडिया लगाऊँगी कि हैंग करने से भी जो है थोड़ी सी बचत हो जाए, क्योंकि सारे हैंगर एक ही साथ हैंग होते हैं तो वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं। तो आपने जस्ट एक ही हैंग करना है और 1 बाय 1 करके एक एक हैंगर के सहारे आपने हैंग कर देना है, बिलीव में इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा
और हैंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चों का साथ होता है और लोड शेडिंग की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन स्पेशली फैंसी सूट को हैंग करके ज़रूर रखना होता है, क्योंकि ये सब जो है प्रेस किया नहीं जाता। आपने ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी।